हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास सिक्स का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर आपका चल रहा है बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। तो बच्चों, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में हम बिल्कुल बेसिक चीजें करेंगे। कुछ टर्म्स होती हैं जिससे आपको आगे ज्योमेट्री सीखने में मदद मिलेगी, तो उन टर्म्स के बारे में हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। कुछ आकृतियां हैं, कुछ फिगर्स है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, यहाँ पे हम कर्व्स के बारे में सीख चुके हैं। कर्व्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, है ना? तो ये हम चीजें यहाँ पे पढ़ चुके हैं, समझ गए? तो अब बच्चों, हम इसके बाद कर्व्स के बाद क्या सीखेंगे? कर्व्स के बाद हम करेंगे बहुभुज। बहुभुज हम यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, है ना? तो क्या आप याद कर पा रहे हैं कर्व्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? बच्चों, कर्व्स होते हैं, एक तो आपके सिंपल कर्व्स होते हैं, ठीक है, सिंपल कर्व्स होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में सरल वक्र बोलते हैं, ठीक है, सरल वक्र। या फिर बच्चों, सिंपल कर्व्स कौन से होंगे? जैसे अगर इसको बात करेंगे हम, ये हो गए सिंपल कर्व, बट ये क्लोज्ड कर्व है। कैसा है? क्लोज्ड कर्व, ये बंद वक्र है, है ना? अगर इसी की बात करें तो एक ऐसा कर्व भी होता है जिसको हम ओपन कर्व बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो सरल कर्व नहीं होगा वो बीच में ऐसे क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, ये सरल कर्व नहीं है, और बाकी के ये सरल कर्व्स हैं, सिंपल कर्व्स हैं, ठीक है। तो ये एक बार रिवाइज कीजिए, फिर अगला हम टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर का, जिसको हम बहुभुज बोलते हैं, यानी जिसकी बहुत सारी साइड्स हों, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बहुभुज यानी इसको पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन क्या हो गया, बहुभुज क्या हो गया, ये आप लिख लेंगे। दीज आर द शेप्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे पॉलीगन, पॉलीगन इज अ फिगर मेड अप ऑफ सिंपल क्लोज्ड लाइन सेगमेंट्स, ठीक है बच्चों। तो यहां पे लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। जैसे कर्व हमने क्या था, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है भाई, जिसमें कोई ओपन एंड ना हो, है ना, वो कर्व हो सकता है। कर्व मतलब जरूरी नहीं है सीधी रेखा हो, वो भी ऐसे घुमावदार रेखा भी हो सकती है, है ना, ये कर्व हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉलीगन की या फिर बहुभुज की, तो वो लाइन सेगमेंट से बना होता है। किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट से यहाँ पे बना होता है बच्चों। तो जैसे हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे,
है बच्चों। तो इस तरह से ये लाइन सेगमेंट्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मिला देते हैं और ये बहुभुज हो जाते हैं। तो देखिए, दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स चाहिए हमें, कम से कम भाई मोर देन टू लाइन सेगमेंट्स चाहिए अगर हमें बहुभुज बनाना है। तो अब देखिए, अगर हम एक लाइन ये बनाते हैं है ना, तो ये तो लाइन हो गई सीधी, लेकिन अगर मैं दूसरी लाइन का यूज करूंगा तो ये क्लोज्ड नहीं होगा है ना, ये तो ओपन बन जाएगा, तो ये पॉलीगन नहीं बन पाएगा। इसलिए कम से कम तीन लाइन चाहिए इनको क्लोज्ड करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसे करके ऐसे बना दो, लेकिन ये लाइन सेगमेंट्स का नहीं बना है, ये बोल सकता हूं मैं लाइन सेगमेंट है लेकिन ये नहीं है, इसीलिए इसको भी मैं पॉलीगन नहीं बोल सकता। तो ये क्या हो गया, ये एक पॉलीगन हो गया। और देख लीजिए, ये एक पॉलीगन हो गया, और क्या हो गया, अगर मैं इसको कुछ ऐसे बनाता हूं, तो ये पॉलीगन नहीं है बच्चों, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों मैं बताता हूं, कारण इसका, देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है मान लिया, ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये सब मान लिया, लेकिन जो ये चीज आपको दिख रही है ये कर्व है ना, कर्व नहीं होना चाहिए पॉलीगन में, इसीलिए ये पॉलीगन नहीं हो सकता। कुछ चीज समझ गए। अब कुछ कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलीगन्स की, पहले आप इनकी फिगर्स को देखो और क्या होते हैं पॉलीगन्स, ये अगर आपको कोई डाउट है इस चीज में पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, कुछ चीजें और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुभुज, ठीक है बहुभुजा जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या आता है, एक तो आते हैं आपके वर्टिसेस, क्या आते हैं, वर्टिसेस हो गए बच्चों, वर्टिसेस, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, शीर्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे बच्चों। तो क्या होते हैं वर्टिसेस, चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्टिसेस जो होते हैं बच्चों, वो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। फिगर्स में देखिए, जैसे ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए इस फिगर के, ये जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, इनको हम वर्टिसेस बोलेंगे बच्चों। इसमें देख लीजिए, ये वर्टिसेस हो गए, ये इसके वर्टिसेस हो गए, चाहे कितनी ही भुजाएं हों, ठीक है, चाहे कितनी ही साइड्स हों, वर्टिसेस आपके यही होंगे कॉर्नर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ये इनको वर्टिसेस बोलेंगे। कैसी भी आप आकृति बना लीजिए, ठीक है, इसमें बताइए वर्टिसेस कौन से होंगे। तो देखिए ये वर्टिसेस होंगे इसके, कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं, समझ गए, तो ये हो गए वर्टिसेस। उसके बाद अगली चीज क्या आती है बच्चों, साइड्स, साइड्स यानी भुजाएं। अब भुजाएं क्या हो गई, जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं उनको भुजाएं बोलते हैं, समझ गए, लाइन सेगमेंट्स। जैसे देखिए, ये एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जो लाइन सेगमेंट बनता है ना, ये वर्टेसिस के लाइन सेगमेंट के अंत बिंदु हो गए, एंड पॉइंट्स हो गए, और ये जो बीच की आपको दिख रही है लाइन सेगमेंट, ये हो गई लाइन सेगमेंट है ना, ये लाइन सेगमेंट हो गई, मतलब ये चार लाइन सेगमेंट से मिलके बना है,
ये तीन लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, एक दो, देखिए जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं तीन, ये हो गए साइड्स। और क्या होगा बच्चों, और डायगोनल्स आ जाते हैं। तीसरे की बात करें, डायगोनल्स यानी इसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, जब अपोजिट पॉइंट्स मीट करते हैं, समझना बच्चों ध्यान से, अपोजिट पॉइंट्स जब मिलते हैं तो विकर्ण बनते हैं। जैसे देखिए यहां पे लिख लीजिए, व्हेन अपोजिट पॉइंट्स मीट, ठीक है। अपोजिट पॉइंट्स मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, है ना। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन गया, विकर्ण बन गया, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। दो डायगोनल इसमें हम बना सकते हैं, है ना। ये डायगोनल्स कहलाते हैं बच्चों, ये ऑपोजिट पॉइंट्स मिलते हैं तो डायगोनल्स बन जाते हैं, क्लियर है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए ये देखिए, ये पांच भुजाएं दिख रही हैं इसकी आपको। अब इसमें हमें देखिए वो शीर्ष लेने हैं जो आसन्न नहीं है, मतलब जो साथ साथ में नहीं है। जैसे ये इसको सामने वाले से मिला दे, ये डायगोनल बन गए, है ना। इसको अगर इससे मिलाएंगे तो ये डायगोनल बन गए, लेकिन साथ वाले से नहीं, इससे और इससे नहीं मिला सकते बच्चों, क्योंकि ये तो इसके साथ वाले हैं, है ना। ऑपोजिट पॉइंट से मिलाते हैं। अब इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो ये या फिर ये इसके सामने वाला है, ये डायगोनल बन जाती है, लेकिन साथ वालों से हम नहीं मिलाएंगे इसको, है ना। ये चीज ध्यान रखना, इसको इससे मिलाएंगे तो ये डायगोनल बन जाती है। तो ये ऐसे डायगोनल बनाते, समझ में आ गया। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं भुजाओं के बारे में। एक होती है आपकी आसन भुजा और आसन शीर्ष क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आसन भुजाएं, आसन भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स, इसको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं, यानी आसन भुजाएं। तो आसन भुजाएं कौन सी होती हैं बच्चों, आकृति की मदद से समझेंगे हम। इनके नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, है ना। तो यहां पे अगर मैं एडजेसेंट साइड्स की बात करूं तो ये जैसे ए डी है ना और ए बी, ये क्या हो गई, ये एडजेसेंट साइड्स हो गई, है ना। इसमें जैसे ये सी डी और बी सी, ये क्या हो गई, एडजेसेंट साइड हो गए। या फिर आप इसको भी ले सकते हैं बी सी एंड ए बी, ये क्या होगी, एडजेसेंट साइड हो गई, आसन भुजाएं हो गई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आसन शीर्ष की, है ना, आसन शीर्ष, अभी मैंने बताया था ना आसन शीर्ष यानी एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। तो क्या होते हैं एडजेसेंट
वर्टिसेस, तो यहां पे देखिए ये ए है, जैसे ये एक वर्टेक्स है ना। अगर मैं बात करूं सी की, तो ये इसके ऑपोजिट सामने वाला वर्टेक्स हो जाएगा जिसपे हम डायगनल बनाते हैं। लेकिन इसके एडजेसेंट वर्टिसेस या तो डी है या बी है, ठीक है। ए का एडजेसेंट वर्टिस डी या बी है, और सिमिलरली भुजा ए बी की एडजेसेंट जो साइड है या तो ये है या ये है, ए डी है या फिर बी सी है ना, दोनों में से कोई भी आप ले लेंगे एडजेसेंट साइड हो जाएगी, जबकि डी सी इसके ऑपोजिट यानी सामने वाली साइड। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हमने किए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यांतर और उसके अभ्यांतर को छायांकित कीजिए, ठीक है बच्चों। ये अपनी मर्जी से आपको कोई भी बहुभुज खींचना है और उसके अभ्यांतर को छायांकित करना है यानी शेड करना है। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर, अभ्यांतर यानी इंटीरियर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों कोई भी पॉलीगन आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, फिर उसका इंटीरियर शेड करना है। ठीक है, इसको हमने बनाया है, अब इसको शेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये शेड हो गया है ना, ये अंदर से शेड हो गया, इस तरह से करना था बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कलर भी ले सकते हैं इसमें हम, इस तरह से शेड कर सकते हैं बच्चों आप। है कि नहीं, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे देखिए एक आकृति है, ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूं वो फिगर, और इसमें आपको बताना है ये एक आकृति है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इज इट कर्व, यानी क्या यह एक
वक्र है। कर्व समझ गए बच्चों, वक्र, क्या ये एक वक्र है? इज इट क्लोज, क्या ये बंद है? तो ये आपको बताना है, तो चेक करके बताइए मुझे क्या ये कर्व है, इज इट ए कर्व, क्या आंसर होगा? तो देखिए यहां पे आप बोल सकते हैं यस इट इज अ कर्व, ये एक कर्व है, एंड दूसरा भी यस होगा, यस इट इज क्लोज्ड, हाँ ये बंद भी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये कर लिया है, एक क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में करेंगे, ध्यान से देखिए, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम, आपको एक रफ डायग्राम बनाना है जो नीचे तीन भाग आपसे पूछे गए हैं उनमें से, ठीक है। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन, समझना बच्चों, एक क्लोज कर्व बनाना है जो कि पॉलीगन नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन और कर्व में क्या फर्क होता है। तो कर्व तो आप कैसे भी बना सकते हैं, है ना, कर्व तो ये भी कर्व हो गया, है ना, क्लोज्ड कर्व हो गया, बंद है ये, यहाँ पे ओपन एंड नहीं है। लेकिन जब पॉलीगन की बात आती है तो वो लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, ठीक है। तो आपको एक रफ डायग्राम बनाना है इसका, और एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट, तो एक ओपन कर्व बनाना है जो लाइन सेगमेंट से बना हो, एंटायरली कंडीशन दे दी है। अ पॉलीगन विद टू साइड्स, दो भुजाओं वाला एक पॉलीगन क्या पॉसिबल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो ये होमवर्क में आप करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बच्चों यहां पे देखिए हमने आज डिस्कस किया है भाई, कर्व्स को रिवाइज कर लिया है, और बहुभुज यानी पॉलीगन्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है, उनकी डिटेल्स जानी है कि क्या होते हैं पॉलीगन्स, और भाई जो क्लोज कर्व होते हैं या फिर क्लोज पॉलीगन होते हैं कैसे बनाते हैं उनको, क्या अंतर होता है, ये सब डिस्कस किया है, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। तो घर पे जाके रिवाइज जरूर करें और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।